दोस्तों ये मशीन हमारी जेसीबी 3DX एक्स्ट्रा मशीन है और इको एक्सपर्ट है। इसमें देखिए लोडर चलाने के लिए लो हाई की बटन है, आप लोडर को लो में भी चला सकते हैं और हाई स्पीड में भी चला सकते हैं। सबसे पहले मैं देखिए स्टार्ट करके लो स्पीड में चला के दिखाऊंगा लोडर को और फिर उसके बाद में हाई में, ठीक है। अब मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब हो चुकी है हमारी मशीन स्टार्ट, वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए ये बटन है इसमें लोडर चलाने के लिए, अब फिलहाल ये बटन ऑफ है, ठीक है। और देखिए अब मैं लोडर को लीवर को चलाता हूँ बिना रेस दिए हुए, ठीक है, बिगर एक्सलेटर दिए हुए। देखिए लोडर का जो ये लोडर है हमारा, ये कितने सेकंड में देखिए पूरा ऊपर आ जाता है, कमेंट करके बताना आप लोग। देखिए ये मैंने पूरा लीवर है जो ऊपर की साइड लगा दिया, देखिए ये देखो कम से कम इसको 10 सेकंड लग गई थी, ठीक है, 10-12 सेकंड। और अब मैं डाउन करता हूं, देखिए ये टिक गया हमारा लोडर। डाउन करने में तो देखिए ज्यादा सेकंड नहीं लगी, 2-3 सेकंड में ये डाउन हो गया। अब देखिए अब मैं इस फ्यूचर को ऑन करता हूं, ये हाई स्पीड वाला फ्यूचर है, लोडर में हाई स्पीड में वर्किंग कर सकते हैं इससे। और अब देखिए अब आप लोग टाइम देखना कितने सेकंड में ये लोडर हमारा ऊपर चला जाता है बिना एक्सीलेटर दिए हुए। देखिए देखिए ये चला गया हमारा लोडर पूरा ऊपर, देखो आधा आधा फर्क है, ठीक है। और अब मैं इसको देखिए डाउन करता हूँ हाई स्पीड में ही, ये हो गया हमारा लोडर डाउन। देखिए दोस्तों मुझे तो देखिए डाउन करने में तो कोई भी अंतर नजर नहीं आया, लेकिन इसको ऊपर करने में अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ फिर लोडर को ऊपर करता हूँ तो देखिए आधा आधा सेकंड का फर्क है, ठीक है। उसमें लगे थे 12-13 सेकंड और इसमें लगे थे 5-6 सेकंड ऊपर करने में, तो इतना अंतर आया है इसमें। इस फ्यूचर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके चलाएं, जैसे भी 3DX एक्स्ट्रा मशीन में है ये फ्यूचर, ठीक है। चलिए अब मैं मशीन को बंद करता हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है।